नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का समाचार क्यारी हिंदी न्यूज़ यूट्यूब चैनल में। बहादुरगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। झज्जर जिले में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। वहीं बहादुरगढ़ में 7 नए कोरोना पॉजिटिव आए सामने। झज्जर जिले में कोरोना का आंकड़ा हुआ 25। कल देर रात आए थे 10 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने। अकेले बहादुरगढ़ में 18 कोरोना पॉजिटिव आए मामले सामने। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हरियाणा में कोरोना के 329 मामलों की पुष्टि हुई, जिसमें से 99 मामले सक्रिय हैं और 227 मामलों में रिकवर कर लिया गया है। और यदि बात करें तो 3 आदमियों की इसमें मौत हो चुकी है। ऐसा बता दें कि झज्जर जिला, जहां एक भी कोरोना का पॉजिटिव केस नहीं मिला था, वहां भी कोरोना ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है। लगातार केस बढ़ते ही जा रहे हैं। कोरोना के झज्जर जिले में 25 मामले सामने आए, जिसमें से 18 मामले बहादुरगढ़ के हैं। हाल ही में कोरोना के 7 मामलों की बहादुरगढ़ में भी पुष्टि की गई। कोरोना के मरीज ज़्यादातर दिल्ली की आज़ादपुर सब्जी मंडी से बहादुरगढ़ सब्जी मंडी में फल और सब्जी का काम किया करते थे। सब्जी मंडी को किया गया बंद, वहीं शहर की कई कॉलोनियों को भी कर दिया गया सील। स्वास्थ्य विभाग की टीम कोरोना पॉजिटिव के संपर्क के लोगों में ले रही है सैंपल। वहीं नगर परिषद की टीमें भी सैनिटाइजर का काम करने में जुटी। दिल्ली नाकों पर सुरक्षा व्यवस्था हुई सख्त। स्वास्थ्य विभाग को अब भी कई सैंपल की रिपोर्ट का इंतज़ार। बहादुरगढ़ में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या को बढ़ता देख प्रशासन ने सख्ती कर दी है। जिला झज्जर के साथ साथ अब बहादुरगढ़ की मंडी को भी सील कर दिया गया है। वह हर जगह नाके लगा दिए गए हैं। वह लोगों का आवागमन रोकने का पूरा प्रयास किया जा रहा है और लोगों से अपील की जा रही है कि अपने घरों में रहे और सुरक्षित रहे। धन्यवाद।